हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज। और लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कैनन यूएस 1500D के बारे में। स्पेशली हम लोगों ने उसे अनबॉक्सिंग किया था, कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे। तो इस बार हम सेटअप करने वाले हैं और उसके आगे हम लोग फर्दर बात करेंगे कौन से बटन्स, कौन से पोर्ट्स, क्या इनके ऊपर लिखे हुए नंबर्स का क्या यूज है, कौन से पोर्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो वीडियो को बनाते हैं और ख़ास और इंटरेस्टिंग। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चलिए कुछ नया सीखते हैं। पहले हम लोग लेंस को साइड करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कैमरे के साथ मिलने वाले बॉडी के बारे में। तो बॉडी में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग टॉप की बात करते हैं। टॉप में कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं और उनका क्या यूज है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसका पावर बटन, जैसे कि आप कैमरे को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये रहा इसका पावर बटन। उसके जस्ट बगल में ये जो दिख रहा है आपको, ये है इसका मोड डायल, जिसमें कि आपको लिखा हुआ दिखेगा TV, M, AV, A+, बहुत सारे मोड्स दिए हुए हैं। तो ये आपका है मोड डायल। उसी के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो ये है इसका फ्लैश बटन। ऑटो में अगर मैं बात करूं तो ऑटोमेटिक जैसे काम कर रहा है, लेकिन अगर आपको मैनुअली इसे उठाना है तो आप इसे प्रोग्राम मोड में कर दें और इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपका फ्लैश ऑन हो जाएगा। उसी के जस्ट नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये है इसका मेन डायल, जिससे कि आप बहुत सारे सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आप अभी देखें तो यहाँ एक्सपोजर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं आप इस तरह से। और साथ ही साथ अगर आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं तो आप इससे नेक्स्ट प्रीवियस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका बहुत सारा यूज है जो कि आप चेंजेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो ये है इसका शटर बटन, जिससे कि आप फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो ये जो देख रहे हैं ये है इसका फ्लैश, ये रहा इसका फ्लैश, जिसको मैंने बताया कि आप प्रोग्राम में इस तरह से पॉप करा सकते हैं। और ये है जो ये आप देख रहे हैं स्टील का जो है, ये है इसका हॉट शू, जिससे कि आप फ्लैश को इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन वीडियो लाइट वगैरह भी आप लगा सकते हैं चाहे तो। और ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं आप, चार छोटे छोटे और एक बड़े पॉइंट्स जो हैं, ये होता है इसका फ्लैश सिंक कॉन्टैक्ट, जिससे कि आप यहाँ मैनुअल एंड TTL दोनों फ्लैश को ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैमराज होंगे जिस पर कि आपको चार पॉइंट्स ही दिखाई देंगे, जैसे आपको यहाँ पर पांच पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैमराज होंगे जिस पर कि आपको ये चार पॉइंट्स दिखाई देंगे, बीच वाला ये जो बड़ा पॉइंट है वो नहीं होता है। तो ऐसे जो कैमराज हैं उस पर आप मैनुअल फ्लैश ऐड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ TTL फ्लैश ही काम करेंगे। अगर मैं बात करूँ 200D Mark II की, तो आप उस पर देखेंगे कि ये पांच कॉन्टैक्ट भी नहीं हैं, सिर्फ फोर ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो अगर मैं बात करूँ 200D की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें चार ही कॉन्टैक्ट पिंस दिए हुए हैं, जबकि यहाँ पर आपको 1500D में 5 मिलते हैं। तो इसमें आप क्या है कि आप मैनुअल फ्लैश को भी ऐड कर सकते हैं, जो कि कम प्राइसेस के होते हैं, उस तरह के फ्लैश को आप यहाँ चाहें तो ऐड कर सकते हैं। बट 200D में आप इस तरह के फ्लैशेस को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो एक बड़ा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये होता है इसका स्पीकर, जिससे कि साउंड आउटपुट आपको मिलता है। और उसी के जस्ट बगल में दिया हुआ है ये है इसका फोकल प्लेन मार्क। फोकल प्लेन मार्क का जनरली यूज होता है सब्जेक्ट से डिस्टेंस की मेजरिंग के लिए, ताकि परफेक्ट फोकसिंग हो पाए। ये जनरली यूज होते हैं मूवी शूटिंग्स वगैरह में, जब मैनुअल लेंसेस यूज होते हैं तो एग्जैक्ट डिस्टेंस को मेजर करना पड़ता है। तो इसलिए ये फोकल प्लेन मार्क जो है वो दिया हुआ होता है, क्योंकि ये जहाँ होता है उसके जस्ट नीचे कैमरे का सेंसर होता है। तो इस पॉइंट से सब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करना काफ़ी ईजी हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर फोकस करना और भी ईजी हो जाता है। तो इस तरह से बात करें तो ओवरऑल टॉप पर जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दो चीज़ें हैं, जैसे स्टील के जो ये पॉइंट्स देख रहे हैं, ये होता है नेक स्ट्रैप के लिए होल्डर है। जनरली मैं तो यूज नहीं करता हूँ, बट आप चाहें तो नेक स्ट्रैप आप लगा सकते हैं। तो ओवरऑल ऊपर में जो चीज़ें हैं, जो टॉप पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो बटन पोर्ट्स हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। अब फाइनली बात करते हैं बॉटम साइड के बारे में। अगर बॉटम साइड में देखें तो दो तीन चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आप देख रहे हैं ये है इसका ट्राइपॉड सॉकेट, जो कि जनरली यूनिवर्सल होता है, कोई भी ट्राइपॉड होगा उस पर ये सॉकेट फिट हो जाते हैं। नेक्स्ट आप कब देख रहे हैं ये है इसका सीरियल नंबर टैग, जहाँ की कैमरे का सीरियल नंबर मेंशन किया होता है। उसी के जस्ट बगल में देखेंगे तो ये है बैटरी एंड मेमोरी कार्ड कंपार्टमेंट।
इसके लॉक को ओपन करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे बैटरी कंपार्टमेंट है और उसी के जस्ट बगल में है इसका मेमोरी कार्ड का स्लॉट। अगर आपको बैटरी निकालना है तो जेंटली अपने साइड में इसे पुल करें, बैटरी बाहर आ जाएगा, और मेमोरी कार्ड निकालना हो तो इसे हल्का सा पुश करें, ये इजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से सेप बना हुआ है तो उसी सेप में आपको रखना है ताकि आपको कोई इशू ना हो और आसानी से आप इसे ढक्कन लगा सकें। तो बॉटम में जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा नहीं है, दो तीन चीज़ें थी जो कि हमें जानना चाहिए था। पहला ट्राइपॉड सॉकेट, नेक्स्ट वन इसका सीरियल नंबर टैग, एंड लास्ट वन बैटरी एंड मेमोरी कार्ड कंपार्टमेंट। अब बात करते हैं इसके राइट साइड की। तो राइट साइड में अगर देखूं तो बहुत कुछ भी चीज़ नहीं है इस तरह का। ये है एक डीसी कोड होल दिया हुआ है जिससे कि पावर एडाप्टर के थ्रू डायरेक्ट पावर सोर्स दिया जा सकता है। तो राइट साइड में ऐसी कोई भी खास चीज़ें नहीं हैं। और अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड की तो लेफ्ट साइड में कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें जानना चाहिए। जैसे सबसे पहले वायर्ड रिमोट का ऑप्शन दिया हुआ है जिससे कि आप रिमोट ऐड कर सकते हैं, चाहे तो वायर वाले रिमोट आप लगा सकते हैं। उसके जस्ट नीचे जो दिया हुआ है वो है इसका डिजिटल टर्मिनल जिससे कि आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसी के जस्ट नीचे दिया हुआ है मिनी HDMI आउट। इस तरह से आप इसको भी यूज कर सकते हैं और अपने लैपटॉप एंड जो TVs है उसके साथ कनेक्ट करना चाहें तो इस पोर्ट के थ्रू आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में भी बस एक ही चीज़ है इम्पोर्टेंट। इसके अलावा एक छोटा सा देखेंगे तो N का साइन बना हुआ है, ये होता है NFC। जनरली अब तो किसी भी मोबाइल में ये साइन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। पहले बहुत सारे ऐसे मोबाइल आते थे जिसमें आपको NFC की फैसिलिटी होती थी तो आप डायरेक्टली टच करते थे तो एप्लीकेशन के थ्रू वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते थे, बट अभी तो ये देखने को आपको जनरली नहीं मिलेंगे NFC। तो फ्रंट साइड में आपको जो देखने को मिलेगा उस पर आपको सबसे पहला जो है वो है इसका रबर ग्रिप, और रबर ग्रिप के ही नीचे होता है बैटरी एंड मेमोरी कार्ड का कंपार्टमेंट। तो ग्रिप काफ़ी बढ़िया है, एंड रबर ग्रिप के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो ये होता है इसका सेल्फ टाइमर लैंप। सेल्फ टाइमर लैंप आपका काम करता है जब आप कैमरे को, मान लीजिए कि मैं इस पर फिलहाल लेंस लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। अभी जैसे कैमरा प्रोग्राम मोड में है मैं इसे 10 सेकंड का सेल्फ टाइमर ऑन करता हूँ, 10 सेकंड मैं 2 ही सेकंड का ऑन करता हूँ। देखिए अब अगर मैं कोई फोटोग्राफ्स क्लिक करता हूँ तो ये जो लैंप है वो ऑटोमेटिक जो है वो ब्लिंक करना शुरू करेगा। देखिए अब अगर मैं इसे 10 सेकंड का कर दूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 10 सेकंड कर दिया, अब क्लिक करते हैं, इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। तो ये होता है इसका सेल्फ टाइमर लैंप। इसका जनरली यूज करते हैं जब हमें ट्राइपॉड पर यूज करना हो, ग्रुप फोटोज लेना हो, और हर कोई चाहता है फोटोग्राफ में आए तो इस तरह के सिचुएशंस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी है, स्लो शटर फोटोग्राफी है, तो इस तरह के जो फोटोग्राफी हैं उस टाइम पर हम लोग सेल्फ टाइमर का यूज करेंगे तो आपके जो कैमरे सेक का चांसेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो बहुत बढ़िया यूज भी है इसका, डिपेंड करता है आप कैसे करें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये जो आप देख रहे हैं स्टिल का, ये है इसका लेंस माउंट जिसपे कि आप EF एंड EFS दोनों तरह के लेंस को माउंट कर सकते हैं। उसके अंदर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे जो गोल्डन पिन दिखाई दे रहे हैं ये है इसके इलेक्ट्रॉनिक लेंस कॉन्टैक्ट पिन। आपको आपके लेंसेस पर भी इस तरह के पिन दिखाई देंगे और ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट हो जाते हैं। अगर नेक्स्ट में बात करूं तो आप देखेंगे ये है इसका मिरर, जो कि जनरली अभी जो कैमराज आ रहे हैं उस पर आपको ये देखने को नहीं मिलता है मिररलेस पर। यही एक डिफरेंस, जो बड़ा डिफरेंस है फिजिकली देखने में वो ये है कि उस पर आपको ये मिरर देखने को नहीं मिलता है। और मिरर के ही जस्ट अगर मैं बात करूं अंदर तो ये आपको देखने को मिलेगा सेंसर। मैं थोड़ा लाइट बढ़ा देता हूँ, हाँ जी अब आपको क्लियरली दिख जाएगा। ये है इसका सेंसर और उसके ऊपर था ये आपका मिरर जो अप एंड डाउन हो रहा है इस तरह से।
यही एक चीज़ है जो कि अब जो मिररलेस कैमराज हैं उस पर आपको ये देखने को नहीं मिलता है। उस अगर माउंट के ऊपर मैं बात करूँ तो दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक आपको वाइट स्क्वायर दिखाई दे रहा है और एक आपको रेड सर्कल के जैसा दिख रहा है। ये क्या है? वाइट जो है ये है EFS लेंस माउंट इंडेक्स। EFS लेंस माउंट इंडेक्स का मतलब क्या है कि वैसे लेंसेस जो क्रॉप सेंसर कैमराज के लिए बने हों, जिनका यूज आप फुल फ्रेम DSLR में नहीं कर सकते हैं, जैसे 1855, इस पर भी आपको देखने को मिलेगा वाइट साइन। ये है EFS लेंस माउंट के लेंसेस। उसी तरह अगर मैं बात करूं 50mm लेंस की 1.8 जो सबसे कॉमन लेंस है, तो है EF लेंस। उसका यूज आप APS-C सेंसर या फिर फुल फ्रेम कैमराज दोनों में कर सकते हैं, बट ये जो लेंस है EFS लेंस जो इस पर वाइट साइन होता है, इस तरह के लेंसेस का यूज आप कैनन के फुल फ्रेम DSLR में नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप लेंस लें तो इस पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है कि वो EF लेंस है या फिर EFS लेंस है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो ये है इसका लेंस लॉक पिन, जिस और आपको एक लेंस पर दिखाई देगा लेंस लॉक होल। ये एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और जब आप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक डिटैच नहीं होते हैं। इसकी बात करूं तो ये है लेंस रिलीज बटन, जिससे कि आपको लेंस ओपन करना हो तो आपको इसे पहले पुश करना होगा। नेक्स्ट वन, यहाँ आप देखेंगे तो कैमरे का मॉडल नंबर लिखा हुआ है और उसके जस्ट ऊपर है ये है इसका माइक्रोफोन, इनबिल्ट माइक्रोफोन। जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो इसी माइक्रोफोन के थ्रू जो साउंड को रिकॉर्ड करता है ये। तो फ्रंट में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और फाइनली अब हम बात करते हैं इसके बैक साइड करते हैं। तो बैक साइड की बात करने से पहले हम लोग इसका लेंस कनेक्ट कर लेते हैं। लेंस फिट करने के लिए काफ़ी सिंपल है, वाइट साइन से वाइट साइन को मैच करना है इसे क्लॉकवाइज। जब ओपन करना है तो इसके लेंस रिलीज बटन को प्रेस करें, एंटी क्लॉकवाइज बाहर आ जाएगा। तो अब बात करते हैं बैक साइड की कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनका क्या यूज है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बैक साइड की, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका LCD, जिस पर कि आपको डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले पर ऑलमोस्ट आपको जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पर ही देखने को मिल जाती है, जैसे कैमरा कौन से मोड पर है, जैसे अभी ऑटो मोड पर है, ऑटो मोड में कौन कौन से चेंजेज आप कर सकते हैं, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वैसे लिखा हुआ होता है। इसके अलावा बैटरी कितना चार्ज है उसका परसेंटेज आपको शो कर रहा है, कितने फोटोग्राफ्स आप क्लिक कर सकते हैं वो भी आपको इस पर दिखाई देगा। जो मेमोरी कार्ड आपने लगाया है उस पर अभी आप कितने और फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ डिस्प्ले पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब आप फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं तो आपके पास डिस्प्ले आ जाता है, आप डिस्प्ले पर भी देख कर क्लिक करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो ये आप देख रहे हैं इसका व्यू फाइंडर और ये होता है इसका आईकप, इसे हम बोलते हैं आईकप। इनकेस अगर गुम हो जाए तो आप इसे सेपरेटली परचेज कर सकते हैं, ये आसानी से मिल जाता है, बहुत कोई इशू नहीं है। यह है इसका व्यू फाइंडर, आप चाहें तो लाइव व्यू से या फिर व्यू फाइंडर से देखकर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको चेंजेज करना है व्यू तो आप सिंपली इस बटन को प्रेस करें, आपके लाइव व्यू से व्यू फाइंडर एंड व्यू फाइंडर से लाइव व्यू आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके ऊपर में आप अगर देखेंगे तो ये है इसका डायोप्टरिक एडजस्टमेंट नॉब, जिससे कि आप अगर आप पावर चश्मा लगाते हैं तो आप बहुत हद तक पावर को एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस आप चाहें तो उसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यह है इसका डिलीट बटन, या फिर आप एक्सपोजर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। प्रोग्राम मोड वगैरह में ये जनरली काम करेगा, ऑटो में तो काम नहीं करेगा। जैसे अगर क्लिक करूँ तो लिख रहा है दिस बटन इज नॉट अवेलेबल इन द बेसिक जोन मोड, तो इस तरह से आप डिलीट का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फोटोग्राफ्स देख रहा हूँ, आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं, इस तरह से इरेज करना चाहें आप इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन ये है क्विक सेटिंग का बटन, कोई भी चेंजेज अगर करने हैं तो सबसे पहले आपको क्यू सेट का बटन प्रेस करना होगा। जैसे फिलहाल अभी कैमरा ऑटो मोड में है तो आप बहुत सारा चेंजेज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं, लाइक 1 शॉट 10 सेकेंड्स, या फिर आप कस्टम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन है ये आपका डिस्प्ले का बटन, आप चाहें तो डिस्प्ले से
जो डिस्प्ले आपको दिखाई दे रहा है आप इसे ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको बैटरी सेव करना हो, ऐसा कोई सिचुएशन है, तो आप चाहें तो डिस्प्ले ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन ISO का बटन है। आप ISO का बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आप ISO को चेंजेज कर सकते हैं। ये आपको डेडिकेटेड एक ISO का बटन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है ये ड्राइव मोड, जिससे कि आप अलग अलग ड्राइव ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सिंगल शूटिंग, कंटिन्यूस शूटिंग, 10 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, और ये कस्टम होता है। कस्टम का बेनिफिट ये है कि आप मिनिमम 2 फोटोग्राफ एंड मैक्सिमम 10 फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। उसी तरह नेक्स्ट अगर देखें तो यह है ऑटो फोकस का ऑप्शन, जिसमें कि आपको वन शॉट, AI फोकस, AI सर्वो, ये 3 ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। हाँ, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो वाइट बैलेंस चेंज करना, तो आप वाइट बैलेंस भी चेंज कर सकते हैं। WB का जो बटन है वो शॉर्टकट है वाइट बैलेंस का, इस पर कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ऑटो में है एम्बियंस प्रायोरिटी, डे लाइट, शेड, क्लाउडी, तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो यह है इसका मेन्यू बटन, जिससे कि आप कैमरे को रिसेट कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड फॉर्मेट कर सकते हैं, डेट टाइम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे जो ऑप्शंस, जो बटन्स आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं, उस तरह के बहुत सारे फंक्शंस आपको मेन्यू के थ्रू भी मिल जाएगा। साथ ही साथ लास्ट बटन जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है इसका प्लेबैक बटन, जिससे कि आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, फोटोज वीडियोज दोनों को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। एक छोटा इंडिकेशन जो है ये वाईफाई का बटन है, और ये होता है इसका एक्सेस लैम्प। जब आप वाईफाई यूज करते हैं तब आपको ये इंडिकेशन दिखाई देगा, ये बटन लाइट जलते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, वाईफाई को इनेबल करते हैं, वाईफाई फंक्शन पर जाते हैं, स्मार्टफोन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखिए ये लाइट जो है आपका ब्लिंक करना शुरू हो गया। और जैसे ही आप इसे कनेक्ट कर लेंगे, फोटोग्राफ्स वगैरह ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये आपको लैंप जो है वो जलना शुरू होगा। तो फिलहाल हम डिसकनेक्ट करते हैं, कोई कनेक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर दिखते हैं, 2 बटन। एक है जिससे कि अगर आप फोटोग्राफ्स को जूम करना चाहें तो इसके थ्रू जूम कर सकते हैं, जूम आउट करना हो तो आप इस तरह से जूम आउट कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन आपको इस तरह से देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो भी नंबर्स हैं, बटन्स हैं, पोर्ट्स हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, चाहे वो टॉप पर हो, बैक साइड हो, राइट साइड, लेफ्ट साइड, हर एक चीज़ों के बारे में बता दिया है कि कौन कौन से चीज़ें लिखी हुई हैं और उनका क्या यूज है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे इसके साथ मिलने वाले लेंस के बारे में, जो कि है 1855 IS2। क्योंकि अगर मैं अभी वीडियो बनाऊं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस लेंस के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं और उसमें हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।